हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवटेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र जीडीएस रिजल्ट को लेकर कि आपका महाराष्ट्र जीडीएस रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा। दोस्तों, कल जो है मैंने असम जीडीएस रिजल्ट पे वीडियो डाला था, तब जो है कई सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि उनको जो है महाराष्ट्र जीडीएस रिजल्ट के बारे में जानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र जीडीएस कब रिजल्ट जो है कब आएगा, सर महाराष्ट्र का रिजल्ट जो है कब आएगा ये बताओ। तो कई सारे स्टूडेंट जो है यह कमेंट कर रहे थे, जिनमें कि यहाँ पे एक स्टूडेंट को रिप्लाई भी मिला था यहाँ पे अतीश पवार के द्वारा कि इन दिस मंथ, इस महीने में जो आपका रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था, ट्विटर पर अपडेट भी दिखाए थे कि आपका जो स्क्रूटनी का प्रोसेस हो चुका है लगभग, इसके बाद जो आपका रिवेरीफिकेशन किया जाएगा। रिवेरीफिकेशन में थोड़ा ही समय लगता है, तो लगभग सब कुछ हो चुका है। तो अगले महीने के 3 या 4 तारीख तक जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बस मुझसे जुड़े रहना है, क्योंकि आपको पता होगा कि रिजल्ट जब आता है तो वेबसाइट पे जो अपडेट नहीं दिया जाता है, क्यों लोगों को मैसेज करके बताया जाता है। तो ऐसे में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको पता नहीं चल पाता कि रिजल्ट आया या नहीं आया। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको मेरे चैनल के जरिए वीडियो से पता चल जाएगा कि आपका जो है रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से सपोर्ट मिलता है और जो आपको लगातार अपडेट मिलता रहता है।